This Lallan Top video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. पहली डेट पर क्या पापा ने टिप्स दी थी? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। नमस्ते, दी लल्लन टॉप पर मैं सोनाली हूँ। भारत और न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक तो खराब मौसम और दूसरा भारत का मैच में बुरा हाल है। दोनों ही मामलों में इंडियन फैंस तो बहुत ही निराश हुए हैं। मैच के चौथे दिन का खेल बिना कोई गेंद फेंके पूरी तरह से धुल गया। तीसरे दिन के खेल तक मुकाबले में भारत ने पहली पारी में 217 रन बनाए थे। जवाब में कीवी टीम ने 2 विकेट खोकर 101 रन बनाए थे। भारतीय गेंदबाजों ने पुरजोर कोशिश की लेकिन कीवी टीम के बल्लेबाजों को ज्यादा परेशान नहीं करते दिखाई दिए। भारतीय गेंदबाजी पर, खासकर जसप्रीत बुमराह की बोलिंग में क्या खामियां रही, क्या कमियां रही, इस पर टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण और संजय बांगर ने बात की है। वीवीएस लक्ष्मण इस चीज से खासे हैरान हैं कि जसप्रीत बुमराह फुल लेंथ गेंदबाजी करते नहीं दिखे, जिससे कि कीवी बल्लेबाज ड्राइव करने के लिए मजबूर होते। वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि कीवी बैट्समैन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो काफी लंबा स्ट्राइड नहीं था और ऐसे में फुल लेंथ पर गेंदबाजी करने से विकेट लेने के ज्यादा चांसेस बन सकते थे। भारतीय गेंदबाज ओवरकास्ट कंडीशंस का सही से इस्तेमाल करने से भी चूक गए। तीसरे दिन के खेल में वैसे तो भारतीय गेंदबाज विकेटों के लिए तरसते रहे लेकिन जसप्रीत सभी गेंदबाजों में सबसे महंगे साबित हुए। वो लाइन और लेंथ के लिए भटकते रहे और 11 ओवर के स्पेल में 34 रन दे दिए। उन्होंने तीसरे दिन की पूरी गेंदबाजी में सिर्फ 3 मेडन ओवर फेंके। वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, मैं हैरान हूं कि बुमराह अपनी लेंथ नहीं बदल पा रहे थे, जो कि इंग्लिश कंडीशंस में काफी इफेक्टिव होती। आप चाहते हैं कि ऐसी कंडीशंस में बल्लेबाज गेंद को कवर्स एरिया में ड्राइव करें, जिससे कि बल्ले का बाहरी किनारा लगने का चांस बने। उन्होंने आगे ये कहा, ऐसे में अगर आप उन्हें शरीर से दूर खेलने पर मजबूर करते तो उनके पैड और बैट के बीच में गैप बनता, क्योंकि ज्यादा कीवी बल्लेबाज फ्रंट फुट ड्राइव खेलते हुए लॉन्ग स्ट्राइक नहीं लेते हैं। लक्ष्मण के अलावा टीम इंडिया पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर ने भी भारतीय गेंदबाजी की खामियां बताई। बांगर ने कहा, मैं लक्ष्मण से सहमत हूँ। ईशांत अधिकतम स्विंग और सीम हासिल करने में सक्षम है। अपने पूरे क्रिकेटिंग करियर में वो ज्यादातर समय इन स्विंग गेंदबाज रहे हैं, लेकिन जब कोई इन स्विंग गेंदबाज स्टंप्स के पास जाने की कोशिश करता है तो वो अपने स्विंग थोड़ी बहुत खो देता है। बांगर ने भारतीय गेंदबाजों को सलाह देते हुए कहा, मैं यही कहना चाहूंगा कि ईशांत और बुमराह क्रीज के बाहर के हिस्से से गेंदबाजी करें, जिससे कि उनकी इन स्विंग गेंदबाजी ज्यादा कारगर साबित हो। भारतीय गेंदबाजों ने मैच के तीसरे दिन कुल 49 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 2 विकेट चटकाए, जबकि भारतीय पेसर्स की तुलना में कीवी पेसर्स इस विच पर ज्यादा सफल रहे। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी विपिन ने। मेरा नाम सोनाली है, देखते रहें दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।